जो यहाँ पर आरती वगैरह कर रहे हैं कुछ महिलाएं, देख सकते हो आप लोग। 500 साल पुराना। अच्छा, तो दादी मैं बता रही कि ये 500 साल पुराना है। अच्छा अच्छा, ये राणा अमीर सिंह की पिक्चर लगी हुई है, देख सकते हो आप लोग। राणा अमीर सिंह सोडा साहब लिखा भी हुआ है। ये शिवलिंग बना हुआ, यहाँ पर शिवरात्रि पूजा की जा रही है, देख सकते हो आप लोग। और ये झूला बना हुआ, झूला भी झूलाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय श्री राम। स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो सिंध पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंदिर है श्री कृष्णा जी का, वही दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक फ्रेंड्स। तो अभी मैं मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ, देख सकते मेरे पीछे मंदिर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मंदिर है। और अंदर चलता हूँ, आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह सिंध पाकिस्तान सबसे बड़ा मंदिर यही है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहा हूँ मैं अंदर, और ये गौ माता भी खड़ी हुई, देख सकते हो मंदिर के जस्ट सामने। और फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और अंदर चल के आप लोगों को पूरा मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर, और ये मेन गेट है, देख सकते हो आप लोग, ऊपर ओम लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और अंदर पूरा आप लोगों को मंदिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते शिवलिंग बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो आज शिवरात्रि है, इसलिए जो हवन वगैरह कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स। ये शिवलिंग बना हुआ, यहाँ पर आज शिवरात्रि है, पूजा की जा रही है, देख सकते हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चलता हूँ अंदर, वो मंदिर के अंदर चलता हूँ, देख सकते हो दोस्तों। ये देख सकते हो छोटी बच्ची नमस्कार कर रही है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चलता हूँ अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है एक छोटा सा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये मंदिर सामने आप लोगों को मूर्ति दिख रही होगी, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और आज जो यहाँ पर आरती वगैरह कर रहे हैं कुछ महिलाएँ, देख सकते हो आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ। अंदर नहीं चल सकता, अंग बबूती पर अपने और फिर पकाया है। तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी पिक्चर वगैरह लगे हुए हैं हनुमान जी की। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो कन्हैया कृष्णा लाल की पिक्चर लगी हुई है, छोटी छोटी पिक्चरें लगी हुई है, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये शेरावाली माता की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, और शिव जी जो है ना ऊपर से शिव जी की पिक्चर लगी हुई है, और हनुमान जी के साथ में। और ये भी शेरावाली माता की मूर्ति है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो श्री कृष्णा जी की, ये ऊपर लिखा जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, फ्रेंड्स ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, क्योंकि सिंध पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये श्री कृष्णा जी का सबसे बड़ा मंदिर यही है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। मतलब कि लाइट भी, और मतलब कि बैटरी सिस्टम भी है, सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग मंदिर में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। बाहर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बट यहाँ से ये देख सकते छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है, ये शेरावाली की मूर्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऊपर भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो, ये काली माता की मूर्ति है, शायद
मुझे नहीं पता। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो, यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है और नीचे हनुमान की पिक्चर लगी हुई है और इस साइड में भी हनुमान की पिक्चर लगी हुई है और ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ जय श्री राम जय श्री राम, देख सकते हो आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं हनुमान के ऊपर, देख सकते हो आप लोग। फ्रेंड्स ये देख सकते हो, कुछ यात्री आ रहे हैं अंदर मंदिर। और फ्रेंड्स ये देख सकते, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये रामा पीर की, ये रामदेव पीर की जो मूर्ति बनी हुई देख सकते हो आप लोग। ठीक फ्रेंड्स, ये रामदेव पीर की है, रणीचा के धाम, ये देख सकते फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। और इस साइड में जो है ना गणेश जी की जो है मूर्ति लगी हुई है, जय श्री गणेशाय नमः, देख सकते हो फ्रेंड्स, ऊपर लिखा है शुभ लाभ हिंदी में लिखा हुआ, देख सकते हो आप, पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। अंदर में हूँ, ये देख सकते हो पूरी लोकेशन आप लोगों में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी इतनी भीड़ नहीं है ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आज शिवरात्रि, इसलिए जो हम तो सुबह सवेरे आ गए हैं, लेकिन अभी जो भीड़ होगी शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ होगी, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो कुछ मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर बनी हुई है, ये चांदी की मूर्तियाँ बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये झूला बना हुआ, झूला भी झूलाते हैं, ये देख सकते हैं, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई है। और इस साइड में देख सकते हो शिव भोलेनाथ की जो है मूर्ति बनी हुई छोटी भी, और ये छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही है, देख सकते हो आप लोग, ये झूला रहे हैं झूले को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं चलता हूँ बाहर, और बाहर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप बाहर आया हूँ मंदिर के, जो हाल बना हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये मंदिर का हाल है, और ये हमारी महिलाएँ देख सकते हो। और ये शिवलिंग मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, जय भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ ऊपर। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा शिवलिंग बना हुआ है, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ हिंदी के अक्षर लिखे हुए हैं, देख सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ऊपर से जो जल देव भी आ रहा है, मैं थोड़ा नज़दीक करता हूँ दिखाता हूँ आप लोगों को, और फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा, देख सकते हो मेरे पीछे मंदिर जो नहीं बना हुआ है। दादी मंदिर कितना पुराना है? 500 साल पुराना। अच्छा, तो दादी मैं बता रही कि ये 500 साल पुराना है। अच्छा अच्छा, श्री कृष्णा जी का मंदिर है, मुरलीधर मंदिर। अच्छा, तो गाइज ये सिंध पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मंदिर है यही मुरलीधर का। सही सही, आप यहीं रहती हो? अच्छा, तो दादी मैं जो पड़ोस में रहती है, तो ठीक है दादी मैं आपने बताया। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, यहाँ से आप लोगों में दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी हवन वगैरह होता है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये देख सकते फ्रेंड्स,
और ये ऊपर लिखा हो कुछ आप पढ़ भी सकते हो। और ये दिख रहा होगा मंदिर। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो राणा आमिर सिंह की पिक्चर लगी हुई आप लोग देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ये पढ़ सकते हो, क्योंकि ये ओल्ड मंदिर है, ये आजकल का नहीं है, तकरीबन दादी माँ ने बताया कि बहुत पुराना मंदिर है ये। ये राणा आमिर सिंह की पिक्चर लगी हुई देख सकते हो आप लोग, राणा आमिर सिंह सोडा साहब लिखा भी हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हाल बना हुआ है बैठने के लिए और इस पर भी कुछ लिखा हुआ देख सकते हो, मुरलीधर सत्संग हाल, मतलब कि मुरलीधारी और कृष्णा जी के मंदिर है, मुरलीधर कहते हैं जिसको। और ये भी राणा आमिर सिंह ने जो है ना बनवाया देख सकते हो आप लोग, और आप पढ़ भी सकते हो। अभी मैं मंदिर के टॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मंदिर का, ये देख सकते हो फ्रेंड्स मंदिर। ये भाई पूजा कर रहा है देख सकते हो शिवलिंग पर। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, ठीक फ्रेंड्स।